यह खबर दमोह नगर के लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल यह दमोह के लोगों के लिए पेयजल सप्लाई से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल दमोह में पानी की सप्लाई करने वाला राजनगर तालाब, जो वर्षों से शहर को पानी पिला रहा है, तालाब के जलभराव के क्षेत्र में बहुत सा अतिक्रमण हो गया है। उस अतिक्रमण के कारण उनके निस्तार का जो पानी तालाब में मिल रहा है, इस कारण यह तालाब का पानी अब खराब हो रहा है। मामले को लेकर चिंता की स्थिति है। तालाब से लगी हुई भूमि पिछले 5 वर्ष पूर्व राजस्व विभाग ने हाउसिंग बोर्ड को अलाट कर दी थी। इस कारण आगामी समय में तालाब धीरे धीरे प्रदूषित होगा। राजनगर तालाब में मछली पालन के कारण भी गंदगी है, जिसको लेकर मछली पालन के अधिकारियों द्वारा जांच कर बताया गया कि पानी में हाइड्रिला बढ़ गया है, जिस कारण से पानी में पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन को दूर करने के लिए इंटेक्स्ट मेल के पास 3 स्टेज में चूना डालने का काम किया जा रहा है। चूना डालने से जलीय पौधे जल जाते हैं और पानी ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनगर तालाब दमोह शहर के लोगों के लिए पेयजल सप्लाई का एकमात्र स्रोत है, उस पर प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं, जहां इसको मछली पालन के एक हब के रूप में विकसित कर दिया गया है। यहां से लाखों रुपए की मछलियां निकाल करके जबलपुर के और आसपास के क्षेत्र के ठेकेदार ले जाने का काम कर रहे हैं और दमोह जिले के लोगों के, दमोह जिला मुख्यालय के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केवल खाना पूर्ति के लिए चूने की बोरियों को डाल करके, चूना डाल करके हाइड्रिला को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि एक समाज सेवी के द्वारा पूर्व के कुछ वर्षों में यह कहा गया था कि जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का निर्माण हुआ है, उससे भी बहने वाला गंदी सीवेज का पानी तालाब के पानी को गंदा करेगा, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वही मामला अब सामने आ चुका है और दमोह शहर के लोगों के लिए पेयजल का यह पानी निश्चित ही दूषित पानी हो गया है। शहर के लोगों को पता है कि उनके घरों में आने वाला पानी लंबे वक्त से पीला पानी आ रहा है, जबकि उसमें फिटकरी डाली जाती है और उसको शोधन भी किया जाता है। नए फिल्टर से उसको शोधन करने के बावजूद भी पानी पीला आने का कारण अब खुलकर सामने आया है। ऐसे हालात में क्या समाधान जिला प्रशासन देगा, यह तो नहीं कह सकते, लेकिन तात्कालिक रूप से जिला प्रशासन के द्वारा केवल और केवल चूना डालकर के पानी को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह प्रयास नाकाफी है, क्योंकि यह पानी दमोह के लोगों के लिए पेयजल के लिए प्रयोग होता है। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, इंटेक वेल के हैं संतोष भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, गज्जू भैया हैं, सब लोग चेतन हैं। चूना डलना स्टार्ट हो गया सर, अच्छी क्वालिटी का भी चूना है सर, ये है ना सर? पानी में कितने अच्छे शैम्पू से नहाओ, पानी के काल जबरदस्ती का RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां, स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, जिला दमोह। दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह। जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास, दीनदयाल चौक जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नज़दीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550847084992 भाई।
बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे की जड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा है गंदगी और बैक्टीरिया पर करें वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।